अरे मामी, आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहती हैं वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। तो अंकुर की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। टाइम कुछ ये है, श्री कृष्ण जी ने बताया है भगवत गीता में कि हमें पाने के लिए केवल दो ही मतलब वो हैं रास्ते अपना सकते हैं लोग। कुर कुर करके आज एक किताब उठाई इन्होंने, भगवत गीता। सो गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज हम लोग आ गए हैं अपने गांव, जहां पर हम लोग एक शूट करने वाले हैं शॉर्ट फिल्म का, जिसका नाम है पेपर वाले। और ये कुछ सेटअप तैयार हो रहा है। ये हमारी लोकेशन, जो ये बाप करोल करने वाले हैं अंकुर वैभव यादव, और ये ही इज अवर डायरेक्टर रोहित यादव। ये रही स्क्रिप्ट, और ये कुछ लोग यहाँ पे हैं। एक्चुअली लोकेशन लेने का पर्पज़ ये था कि जो घर है वो थोड़ा सा गरीब दिखाना था, तो यहाँ पे हमको पूरी लोकेशन मिल रही है। जैसे एक तो एरिया अच्छा खासा है, बाकी जैसे बाहर का है ना सीन, बाहर का भी आपको एक गांव का टच मिलने वाला है। ये देखो, और आज अंकुर बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब ये अंकुर बताएंगे क्या नहीं चल रहा क्या तो आज अंकुर बहुत ज्यादा खुश हैं। हमको नहीं पता क्यों खुश हैं। नीचे अब ये यही बताओ काहे के खुश इतना ज्यादा? गांव आए पहली बार हैं, गांव आए पहली बार। तो ये सच बता देना, सच बता देना। बात कुछ ऐसी होती है कि हम हर एक कहानी होती है ना, और हर कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं गांव से होती है। तो अंकुर की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। टाइम कुछ ये है 1999 या 2000 का टाइम है। तो हमको बहुत छोटे थे उस टाइम में, नाक पाया करते थे। तो एक्चुअली बात ये थी कि एक शादी पड़ी थी यहाँ पे, यही था ये बताएं आपको। वो सामने दिखाई पड़ा मौत मैदान ना आपको, हाँ बस वहीं पे बारात की हुई थी। बारात का माहौल, हर एक जो स्त्री आती, कन्या आती, मैंने अपने अपने परम सौंदर्य को क्या मतलब प्राप्त करके आती है, तो बस वहीं अंकुर मोहित हो गए वहाँ पे। और वो नया गाना आया नहीं है, कौन सा, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो बस उसी का पूरा क्या बोलते हैं मतलब व्यापक विस्तार जो है वो अंकुर साहब कर रहे हैं हमारे। आते टाइम में मतलब बीच रास्ते में बहुत खुश थे, तो मैंने पूछा कि अंकुर क्या हुआ, तो अंकुर ने कुछ नहीं किया, ऐसे एक मंद स्माइल दी उन्होंने। जब अंकुर ने कहा है कि ये चीज व्लॉग में ना आए, हमने वही चीज व्लॉग में डाली है, क्योंकि कॉन्टेंट इज नॉट अ किंग कॉन्टेंट इज अ किंगडम, जिसकी वजह से आप ही से लोग व्यस्त हैं, हमारा ब्लॉग चलता है, आपको पता है। तो अभी हम लोग शूट स्टार्ट करने वाले हैं, 30 या 33 दिन बाद हम लोग ये शूट स्टार्ट कर रहे हैं ना, 30-33 दिन बाद। मेरे भी अंदर चुल मची थी कि भैया कब से शूट स्टार्ट हो, कब से काम शुरू हो। सो फाइनली अब रोहित को भी टाइम मिल चुका है काम शुरू करने का, और बेसिकली ये निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ से कौन से शॉट लिए जाएँ तो सबसे बेस्ट होंगे। यहाँ पे 24 सितंबर को गया था कैमरा, है ना, सितंबर में गया था सर्विसिंग के लिए, और डेट क्या है, नवंबर है, कम से कम डेढ़ महीने बाद। बेइज्जती थोड़ी कर रही है, बेइज्जती नहीं कर रही, कितना हो गया व्लॉग, हो गया बेटा, बढ़िया हुआ था, अच्छा कर रही थी, तुम तो एक धनिया में कूद जाओ तो बताइए, अच्छा कर रही थी। दो खत्म हो गई वीडियोस, पता है तुम्हें, हमका पता है, ऐसे नहीं कैमरा उठाए हैं, तुमसे तो होगा नहीं कैमरा उठा के कुछ शूट कर लो, तो अच्छे डाटे खातिर हमका लेके आए। अरे डाटने के लिए क्या मतलब यार, कंटेंट नहीं आएगा तो कंटेंट दोगे नहीं, तो फिर आज तक तो कोई देख पाएगा नहीं, नौ का मालिक का डाटे जा रहे हैं, जलेबी लिए, जलेबी नहीं लेके आए हैं, मुंडी उड़ा गया। तुम तो करती कल से हम डाइटिंग पे हैं, तो कल से बंद करना ना, आज जलेबी खा लो, जलेबी खा लियो के बाद संध्या से कर बे, हाँ संध्या से करो, है नहीं वही हम भी कह रहे थे, आइडिया ठीक रहेगा, डाइटिंग करेंगी ये, डाइटिंग करेंगे तुम्हारे से लोग, डाइटिंग कर पाएंगे कभी, काहे हम दुबराएंगे डाइटिंग करेंगे, वही तुम ले आओ यार, मन करो ठीक है, यही तो ये मन जो है ना, इसको मतलब बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कल को कुछ भी मन करे तो बस उठा के खा लिए, ज्ञान दे रहे हो उस पे पहले आप बताइए अपना, मेरा तो है ही, हम लिविल कर ही नहीं रहे,
तो शुरू कर रहे हो कि हम तो लुक्की लगा रहे थे, हमको देखेंगे कितनी भी चिंगारी है अंदर, वो फड़फड़ा के देखो आगे इसीलिए कहते हैं। हम नहीं कह रहे, बुआ कही ना कि अब छोटू जलेबी ले जाता है, लेकिन नहीं ठीक है, देखो बुआ कही थी तो फिर जलेबी आएगी, लेकिन तुम कही हो तुम कल डाइटिंग, तुमने बोल दिया था डाइटिंग पे रहोगी तो अब तुम्हारा एक महीने। हाँ तो यहाँ जलेबी है तो कोई कही ना, अगर तुमने बोला है कि डाइटिंग करनी है तो फिर डाइटिंग करो, नहीं करनी है। Shabbas beta. Now sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up. Hands on my face, I learned to cope with the pain. I know. एक कुछ बना है खाने के लिए? हाँ बना। तो कुछ सेक दो यार मिल गया? तुम कौन है मेरे? मैं बाप बनने कोशिश मत किया करो। मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। हम तुम्हारी माँ नहीं है, हमारे बाप नहीं है, हम तुम्हारे बाप थे हैं और हमेशा रहेंगे, हैं रहेंगे हमेशा। जाओ मेरे लिए रोटी है, वो पराठा पूछ लेते, रोटी चलो बना के खाओ, जाओ अमरुद खाओ, सेक दो सेक सेक दो, फिर जरा हम वो एडिटिंग कर लेते, ब्लॉग कहते जाए। मजाक है क्या ये, मतलब हम हल्के हमारे हम नहीं तो लेंस पता कितने का आता है ये, 17,000 का है। अबे कांच है वो, हल्का मारोगे अभी चल जाएगा तो क्या होगा बताओ, खराब हो जाएगा। तो पब्लिक हमने उगा कर रहे हैं, नहीं डालेंगे लेकिन फिर कम से कम ये देखो तो कम से कम यार लेंस पे मार रहे हो। श्री कृष्ण जी ने बताया है भगवत गीता में कि हमें पाने के लिए केवल दो ही मतलब वो हैं रास्ते अपना सकते हैं लोग, एक है सांख्य योग, एक है कर्म योग। सांख्य योग है जैसे कि मतलब सांख मतलब किसी के भी होने का भावना रहना, मतलब भगवान के मतलब यू है कि मतलब भगवान के अलावा मतलब यू समझ लो जैसे है हर इंसान तुम भगवान ही समझो, मतलब कि जैसे कह देते हो कि दूसरे के यहाँ बोल देते हो यू समझो कि सब भगवान कर रहे हैं, मतलब एक हर एक चीज के यहाँ तुम भगवान को ऐड कर दो कि हाँ मतलब सब कुछ भगवान को से। इन दोनों में फर्क है कर्म योग और सांख्य योग में, बताए तो रहे हम क्या कि मतलब एक होते कि भगवान मतलब यूँ समझो तुम भगवान यूँ सांख्य योग होते कि भगवान मतलब सब कुछ भगवान की वजह से, हाँ। और दूसरा कर्म योग है कि मतलब तुम अपन सब कुछ त्याग दो, मतलब त्याग का दो मतलब भगवान को समर्पण कर दो, मतलब कि जैसे है कि मतलब जो उन कुछ करो उनकी खातिर करो, मतलब समझ पाए हो। पहली किताब यही क्यों उठाई? बस मेरी इच्छा थी कि मुझे ये पढ़ना है और क्यों उठाई, अब या तो भगवान ने उठवाया होगी, हाँ मतलब तुम पढ़ो कुछ करो, भगवान ने आप हो क्यों नहीं उठवाया हमको इसलिए कि मुझे बहुत कुछ अभी मुझे बहुत कुछ करना है धरती पर सब लोगों के लिए। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते जितने भी फोन कॉल आते हैं वो सबको फोन उठा के सिर्फ विकी जी कहती हैं कि आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो इस नंबर से, और उधर से आदमी इतना बड़ा पकड़ कि वो काटता है। अभी देखो फिर देखो आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। आप जिस नंबर पर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। काटती आप जिस नंबर पे संपर्क करना चाहते हो वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। तो आज ये हुआ कि हम लोग का संडे था, संडे को हम लोग कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं और पूरा अगर वेजिटेरियन है तो फिर या तो फिर मशरूम या तो पनीर हो, ज़्यादा आप जानते हो वेजिटेरियन लोगों में ज़्यादा वैरायटी तो होती नहीं, ये शाकाहारी लोग ये भी तुम भी हम शाकाहारी नहीं है, हम शाकाहारी नहीं बताए ठीक है जाओ तुम पब्लिक का दिखा दो शाकाहारी नहीं होता। देखो अगर शूट हो रहा है कोई मान लो है ना वेज नॉन वेज वाला तो उसे मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि वो एक्ट है, वो एक्ट है उसमें खाना पड़ेगा।
तो लेके आए थे मशरूम, दो पैकेट है, पर इतना अफसोस हुआ ना, मतलब दो पैकेट मशरूम दोनों पैकेट खराब हो गए थे, तो महंगे की मम्मी को पता मैंने क्या बताया, मम्मी बताया मैंने 20 रुपए की, और इसमें हम बता नहीं सकते क्योंकि मम्मी ब्लॉग देखती है, उनका कारण बताऊं है ना, बताओ यार, उसके बाद हमको परी लाना पड़ रहा है, मतलब कट की बात छोड़ो हमको लाइफ में जब जब भी मेरा मन किया है कि आज मुझे ये खाना है तो उस दिन पक्का हमको वो चीज़ नहीं मिलती है, मतलब जिन्हें देखी है, और पता है मतलब तुम सोचो कि यार अब कैमरे बोलना तो नहीं चाहिए, रोहित बड़ा कॉन्फिडेंस में इसे लीन है मशरूम का पैकेट नहीं ले जाओ, वो एक्चुअली क्या है ना पन्नी के अंदर है, इसमें थोड़ा सही नहीं लग रहा है, लेके जाओ इसको पानी भरा ना ठीक हो जाएगा, रोहित के आगे फोटो है, हाँ बताएंगे, रोहित ब्लॉग तो देखी देखते ही हैं, पैसे जो नुकसान कराया ना तुम लोगों के सामने कह भी नहीं सकते कितने पैसों का था, क्योंकि हाँ नहीं तो मम्मी ब्लॉग देखती इसलिए अभी नहीं बता सकते। अबे तुम मर्द लग रही हो यार, तो वीडियो बना नहीं, नहीं वीडियो नहीं बना रहे, सही बताया तो ब्लॉग नहीं, नहीं ब्लॉग नहीं बना रहे, पता है पीछे ये पीछे करो, पता है वो बहुत बहुत मर्द मर्दानगी वाली बात है, तुम ब्लॉग बना रहे हो चलो, और अगर आपने व्लॉग को यहाँ तक देखा है और आपको लग रहा है कि इस चैनल पे पोटेंशियल है और इस चैनल को आगे बढ़ाया और सपोर्ट किया जा सकता है तो फिर आप इस व्लॉग को सपोर्ट कर सकते हैं, एक लोग और आना चाह रहे हैं कैमरे में लेकिन हम लोग ले नहीं रहे हैं उनको क्योंकि दो लोगों के अलावा चाह रहे हैं, पीछे से लात मारना चाह रहे हैं, तो अगर आप लात मारना चाह रहे हैं तो आप लात मार ही दीजिए, हाँ ये लीजिए लीजिए मारी मारी लात मारी, दोनों लोग चले जाएंगे हम कैमरे के साथ, लात मारी और ये लड़की को हम सीधे इस रोड पे ये गाय के ऊपर गिरेगी सीधे, तो मुंह हम पकड़ रहे हैं, तो मुंह तो सब छक गई, ये सुनसान गलियां देख रही हो बेटा, और यहाँ तभी दोपहर शाम टाइम देखा जाता है तो नहीं मिली ना, क्या किसेंगे बड़ी खड़ी खड़ी ये बूढ़ी है, काय खाचू ये बूढ़ी है बस छोटा, ये रोटी दे कहीं मार रहे हैं कौन से, इस गाय को रोटी दे दो, हैं ये गाय भाई वाली गाय क्या जो आती है हम लोगों पास, वो ना है हैं जो गाय है कि वो आए बैदवा आए के बैलो गाय नहीं है बैदवा, तुमको बहुत ठंड लग रही बेटा, अब हम ये वो बनाने आए हैं अपना देखा इनको नहीं पता है, ये तुमसे भी ज्यादा गांव से आई है, तुमको एस्किमो नहीं पता, नहीं पता जाओ यार मतलब हम जा रहे थे जो बर्फ में हरा थे उसको इग्लू बोलते हैं, मां नहीं लपड़ के घर का कहा थे ना कि आदमी यहाँ कहा थे, तो कहते अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज एक लाइक 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 शेयर सब्सक्राइब 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 कीजिएगा, अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग वीडियोस हम और लाते रहेंगे, हम बीप लगा देंगे काहे को बता देंगे लोगों को फालतू का वहाँ, है ना चलो ठीक है रखो बंद करो है ना, आपने देख देख लिया लाइव कर ही दोगे है ना, चलो कैप कहाँ गए रुको कैप लगा दें जरा,